सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आ चुकी कौन न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है 1v4s के ऊपर। लाइक अगर आपके ऊपर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको क्लच करना हो तीन बंदों को या फिर चार बंदों को, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो भाई वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे मैं खुद अपने 5-6 क्लचेस आपको दिखाने वाला हूँ जिनकी मदद से आप बेटर समझ पाओगे। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट दिस स्टार्टेड। तो यहाँ पे गाइस आ चुकी है हमारे ऊपर 1v3 या 1v4 वाली सिचुएशन। तो मैं हील कर रहा था फट से, लेकिन मेरा टीममेट उसी टाइम पे नॉक हो जाता है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। तो गाइस अभी देखो, ये वाली जो घर में है ना, क्लच करना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे बंदों के आने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होती है। तो मैं वही करता हूँ, पहले एक बंदे को डाउन देता हूँ, फिर ये बंदे का साउंड मुझे आता है तो इसको भी मैं प्रोन शॉट से मार देता हूँ। और यहीं से ये बंदा भाग के आ रहा होता है, क्योंकि भाई इसको लगता है ना कि यार मेरी टीममेट सब फट से फिनिश होने वाले, तो मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा। और उसी चक्कर में भाई ये मारा जाता है यहाँ पे। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने पीक देखी वहाँ पे बंदे को नॉक किया, क्योंकि 1 HP में पूरा सामने चले जाता ना, तो डेफिनेटली एक गोली टच होती है, मैं वहाँ पे मर जाता। तो ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें फॉलो करनी, और ये वाले घर में क्लच करना बहुत ज्यादा ईजी होता है, अनलेस की तुम एक नेड या फिर मॉली वगैरह से ना फट जाओ। ओके यार गाइस, तो अभी बात करते हैं हमारी सेकंड क्लच की। और यहाँ पे भी 1v3 होने वाला है, लेकिन भाई यहाँ पे मैं ऊपर जाके अपने टीममेट को बचाना चाहता था, लेकिन अब ये जो बंदे है ना भाई ऊपर जाता तो डेफिनेटली मैं मर जाता, तो मेरा टीममेट तो मर जाता यहाँ पे। तो अब मैं डायरेक्ट भी ऊपर पुश नहीं करने वाला था, तो मैं एक नेड पुल करता हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या होने वाला है मेरे साथ। जैसे मैं नेड पुल करता हूँ ना, ये बंदा आ जाता है। लेकिन गाइस जैसे मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, मैं फट से अपनी पोजीशन यहाँ पे बदल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदे भाई अपने टीममेट को बचाने के लिए सीधा एकदम घुसेंगे मेरे ऊपर अंदा, और वहीं पे भाई प्री फायर देते हुए जाते हैं। लेकिन मैं अपनी पोजीशन चेंज कर चुका था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लच कर पाता हूँ। तो भाई यही बात होती है, अगर जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो फट से एक बंदे को नॉक करके अपनी पोजीशन चेंज करो, ताकि गाइस जैसे वो तुम पे पुश करे तुम उन्हें डिफरेंट एंगल से मार पाओ। तो यार गाइस, तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक बंदे को मारने जाते हैं, लेकिन पता चलता है वहां पे 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, और वहां पे आ जाते हैं क्लच सिचुएशन। तो देखो मैं क्या करता हूं। अब मुझे पता था कि एक बंदा सामने है, तो मैं जाता हूं इसको नॉक भी देता हूं, लेकिन ये बंदा भाई अचानक से निकल जाता है, एंड यहां पे तीसरा बंदा भी निकल जाता है। तो भाई देखो, तीसरे बंदे पे मैं पुश इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी जो HP है ना भाई, वो दोनों बंदों ने डाउन बिल्कुल भी नहीं की थी। तो मैं देखता हूं कि यार अभी तो HP फुल है, तो मैं फट से उस पे पुश कर देता हूं तीसरे बंदे पे, वरना अगर HP कम होती ना, तो डेफिनेटली मैं उस पे पुश नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नॉक कर देता वो। तो यही चीज होती है गाइस, छोटी मोटी चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सेस है ना थोड़े से इंप्रूव कर लो, ताकि जिधर से भी साउंड आ रहा है ना तुम उस पे फटाफट से रिएक्ट कर पाओ। बाकी रिफ्लेक्सेस की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली, उसके लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लेना। तो गाइस बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ क्लच की, जो की रहने वाला है 1v4। तो भाई यहाँ पे देखना कितने अच्छे से मैं आराम से चार बंदों को निपटा देता हूँ। अब ये बंदे को मैं नॉक करता हूँ, तो मैं नेड फेंकने वाला था, लेकिन पैन नहीं था, तो गलती से मुझसे सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अब सेलेक्ट हो गया तो फेंक दो, तो मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ रेड डॉट पे। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बंदे है ना, अब यहाँ पे जो फाइट होने वाली थी वो मुझे पता है कि क्लोज है, तो अगर मुझे इन केस कभी स्कोप ओपन करने की जरूरत पड़ती है ना, तो भाई यहाँ पर रेड डॉट रहेगा, तो ज्यादा जूम इन नहीं होगा, तो बंदों को इजीली मैं मार पाऊंगा। तो यहाँ पे फटाफट से हील करके इस बंदे को भी मैं नॉक दे देता हूँ, एंड यहाँ पे ये जो बंदा है ना भाई, ये रिवाइव कर रहा था अपने टीममेट को, तो इसे भी मैं इजीली नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस सही बताऊँ ना, तो यार रेड डॉट लगाने का मुझे सही में यहाँ पे फायदा हो गया, क्योंकि 3x पहले लगा हुआ था, और 3x होता है ना तो भाई दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, एक बंदा अगर फ्रेम से निकल जाता बाहर तो अच्छा हो। मैंने रेड डॉट पे स्विच कर लिया, तो क्लोज रेंज वाली फाइट्स में रेड डॉट हमेशा स्विच कर लिया करो, ताकि जरूरत पड़े ना कभी तो रेड डॉट तुम्हारे पास हो वहाँ पे। तो गाइस अब जैसे तरीका ये क्लच होने वाला है ना, ये क्लच सबसे ज्यादा इजी होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदे की मुझे पता थी लोकेशन, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको नॉक करता हूँ, फिनिश इसको फटाफट से कर देता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका टीममेट है ना भाई, फट से मेरे पास आने वाला है मेरे से बदला लेने, वही होता है यहाँ पे। मैं वेट करता हूँ, मुझे पता था गेट खोलेगा, मैं इसे नॉक करता हूँ, और यहाँ पे भाई सीधे डब्बा बना देता हूँ उसका। फिर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे भी एक बंदा लेटा हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ नीड, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ना अलग अलग लोकेशन पे होने पे यही फायदा, तो मेरा रिवाइवल इजीली नहीं हो पाता है, तो तुम मारे जाते हो इजीली। बाकी यहाँ पे जैसे बंदे को नीड छोड़ाता हूँ ना, तो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हो जाता है मुझे इसमें शैक में घुसते हुए। तो मुझे पता था अब यहाँ पे लास्ट बंदा है, तो मैं फट से भाई देखो बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पे सीधे घुस जाता हूँ इस बंदे पे। अब ये जो बंदा है ना भाई, ये शायद इतना ज्यादा डरा हुआ था ना, मतलब लास्ट बंदा बचा हुआ था अपनी टीम का, तो मतलब एकदम कैंप करके बस बैठा हुआ था, लेकिन मैंने तो इसको देख लिया था, शायद इसको पता नहीं था कि मैंने इसको देख लिया। बस इतनी ईजिली मैंने चार बंदों की पेटी बना दी, और मुझे डैमेज भी नहीं पड़ा ज्यादा, मैं नॉक भी नहीं हुआ एक भी बार। तो यही होता है गाइस, अगर तुम कभी भी ना मतलब ऐसे बंदों को क्लच कर रहे हो ना जहाँ पे वो अलग अलग जगह पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लोकेशन पता होना चाहिए, बिना लोकेशन पता हुए मतलब तुम्हें बाहर घूमना ही नहीं है वहाँ पे। तुम्हें पता है ना कि मैंने एक बंदा देखा था यहाँ पे, तो बाहर जाओ ही मत, जैसे तुम बाहर जाओगे ना भाई तुम्हें नॉक करके फट से वो डब्बा बना देगा तुम्हारा। तो यही चीज़ मैंने फॉलो की यहाँ पे, जब जब लोकेशन पता थी मैं सीधा पुश करते गया, एंड ईजिली यहाँ पे क्लच करके मैं 1v4 कर पाया इजिली।
बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी ही और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी ऐसी ही वीडियोस और चाहिए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना एंड येलो हार्ट स्पैम कर देना कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।